गढ़चिरौली जिले के सिरोंचा तालुका में गोदावरी नदी के स्रोत के कारण 10,000 से अधिक लोगों को स्थानांतरित करना पड़ा। इसी क्रम में प्रशासन की ओर से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में तरह तरह के उपाय किए जा रहे हैं। कलेक्टर संजय मीणा ने सिरोंचा का दौरा कर इसकी समीक्षा की और बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उनके साथ पुलिस अधीक्षक अंकित गोयल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुमार आशीर्वाद भी मौजूद थे। इस अवसर पर सभी अधिकारियों ने तालुका प्रशासन की योजना की समीक्षा की और सिरोंचा में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण किया। कलेक्टर संजय मीणा ने तालुका प्रशासक को नुकसान का जायजा लेने और तुरंत पंचनामा बनाने का आदेश दिया। इस मौके पर नागरिकों को जहाँ उन्होंने मदद की जरूरत है उन्हें तत्काल मदद मुहैया कराने के निर्देश भी दिए। इस मौके पर उन्हें गर्भवती माताओं की जांच कराने और स्वास्थ्य विभाग द्वारा उनका विशेष ध्यान रखने, गांव में बिजली बहाल करने और टेलीफोन सेवा को चालू करने जैसे निर्देश भी दिए। बाढ़ पीड़ितों को सर्पदंश से सावधान रहने की भी चेतावनी दी गई। नागरिकों को अनावश्यक रूप से नदी चैनल पर नहीं जाना चाहिए, सेल्फी के प्रलोभन पर अंकुश लगाना चाहिए और पुल के ऊपर से पानी बहते समय बाढ़ को पार नहीं करना चाहिए। इस अवसर पर जिला प्रशासक में जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर दावल सालवे, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी पाणेन्द्र कुटीरकर, आपदा प्रबंधन सलाहकार राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण कृष्णा रेड्डी उपस्थित थे। वीकेबी न्यूज के लिए गढ़चिरौली से गणेश शिंगाड़े की रिपोर्ट।